सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की। क्या प्रॉपर्टी है? कि कोई भी लिक्विड अगर रेस्ट पे है, देखो इंपॉर्टेंट है, कोई भी लिक्विड अगर रेस्ट पे है, चलता हुआ फ्लो करते हुए लिक्विड में कोई सरफेस टेंशन नहीं है, कोई भी लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो उसकी सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, वो खिंच जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो किसी लिक्विड में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है कि उसकी सरफेस थोड़ी टाइट हो जाती है, अपने एरिया को कम करती है, मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। क्यों करती है उसका रीज़न दूंगा। तो किसी लिक्विड में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा, कोई लिक्विड ये प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करता है तो हम बोलते हैं उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और कोई कम करता है उसकी सरफेस टेंशन कम है, और अगर करता ही नहीं सरफेस टेंशन है ही नहीं। तो ये जो कहानी है पीछे से स्टार्ट, ये ऐसा क्यों करता है? ये कहानी स्टार्ट होती है दो टाइप की फोर्सेस से, एक है कोहेसिव, एक है एडहेसिव। तो कोहेसिव का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। पानी और पानी के मॉलिक्यूल की फोर्स फोर्स ऑफ कोहेजन है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है, कोहेजन है। पानी और कंटेनर जिसमें वो पड़ा हुआ है, दोनों के बीच में मॉलिक्यूल में फोर्स एडहेजन है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पानी का और एक कंटेनर का। अगर कोई टीचर मान लो मार्कर से लिख रहा है, मार्कर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो बोर्ड के मॉलिक्यूल्स हैं चिपक गए ना, मार्कर चिपक जाता है बोर्ड पे, तो एडहेशन है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एडहेशन है। तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर रेंज का। मॉलिक्यूलर रेंज क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर रेंज है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अब ये तो है नहीं, एक मॉलिक्यूल 10 मीटर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा, कोई रेंज भी तो होती होगी, कोई डिस्टेंस भी तो होता होगा। तो मान लो जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है 10^-9 मीटर के आसपास होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल 10^-9 मीटर तक दूसरे मॉलिक्यूल को खींच सकता है, अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हो गया तो नहीं खींच पाएगा। तो ये क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आ गई क्या चीज है? तो मॉलिक्यूलर रेंज है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट सम एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर सपोज करो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल 10^-9 मीटर तक किसी भी मॉलिक्यूल को यहां भी खींच सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो अगर मैं 10^-9 मीटर डिस्टेंस यहां कोई पॉइंट लूं, यहां, यहां, अंदर बाहर लूं और ज्वाइन करूं सभी पॉइंट्स को, तो एक स्फेयर बनेगा इमेजिनरी, क्योंकि पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, कहीं पर भी। तो अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो स्फेयर इमेजिनरी बनेगा इसको बोलते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब यह है कि अगर इस मॉलिक्यूल के इस स्फेयर के अंदर कोई दूसरा पार्टिकल अगर आ जाए फिर तो ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर लेगा, पर अगर कोई पार्टिकल बाहर रह जाए तो मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। क्लियर है यहां तक? जैसे अर्थ का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो जहां तक उसका ग्रेविटेशनल पुल है वहां तक उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक। नेक्स्ट है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म है कि अगर कोई भी लिक्विड है कंटेनर के अंदर, इसकी जो टॉप की सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब टॉप के मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? बिल्कुल जो बिल्कुल एयर और वाटर के इंटरफेस के ऊपर है, और कहां तक लें, ये टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो ये जो डिस्टेंस है ये मॉलिक्यूलर रेंज जितना है 10^-9 मीटर जितना, तो मतलब ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो इतने डिस्टेंस में ना टॉप के मॉलिक्यूल फिट इन हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। तो सरफेस फिल्म का मतलब है टॉप की जो सरफेस है उसको सरफेस फिल्म बोलते हैं, जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डेफिनेशन है इसकी सरफेस फिल्म की, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन।